हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है tradingfab.in के ऊपर। आज है 12 सितंबर और आज की निफ्टी की क्लोजिंग काफ़ी धमाकेदार देखने को मिली। लास्ट के एक घंटे में निफ्टी करीब 400 पॉइंट का जंप देखने को मिला निफ्टी में। और उसके पीछे का रीज़न देखें तो ये बताया जा रहा है कि चाइना से खबर आ रही है कि दोपहर को जब ये 2 बजे के आसपास ये न्यूज़ आई थी कि चाइना हो सकता है अपने इंटरेस्ट रेट में कटौती करे, तो उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने रिएक्शन दिखाया है और निफ्टी जो है 2 बजे के बाद आप देख सकते हैं ये ज़बरदस्त 400 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला है। ओवरऑल निफ्टी 470 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। वही बैंक निफ्टी में 762 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। तो पूरा दिन अगर देखें 2 बजे तक ये आप फेज देख सकते हैं, 2 बजे तक ये बोरिंग सा फेज यहाँ पर देखने को मिला, कंसोलिडेशन फेज, साइडवेज पैटर्न। और जैसे ही इस लंबे से ग्रीन कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, और भी तेज़ी बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स दोनों में भी देखने को मिली। तो ओवरऑल जो लेवल्स हमने कल मार्क किए थे आप देख सकते हो, सुबह तो यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं बना, जैसे ये साइडवेज पैटर्न चल रहा था। एक बार ब्रेकआउट लेवल के पास आया, सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक हुआ, सेकेंड टारगेट के पास ही ऑलमोस्ट ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और 2 बजे के बाद ये ज़बरदस्त 400 पॉइंट का जंप यहाँ पर देखने को मिला है। निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई लगा दिया है, 25,400 का लेवल निफ्टी ने पार कर दिया है। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार डेली चार्ट को देख लेंगे। ये है डेली चार्ट। कल हम बात कर रहे थे कि नीचे की तरफ ये जो 20 DMA का पिंक लाइन है ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो कल ये रेड कैंडल बना था, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट क्लोज इस पिंक लाइन के पास गया था, और यहाँ से ही आज ये बाउंस बैक हुआ है और ये ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल बना है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये रेड कैंडल हो सकता है यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करे 25,170 के पास, उसको भी इसने ईजीली ब्रेक कर दिया, और जैसे ही इसको ब्रेक कर दिया और भी तेज़ी यहाँ पर हमें देखने को मिली और निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई लगा दिया है। अभी देखने वाली ये बात है कि यहाँ पर RSI में एक पैटर्न क्रिएट हुआ है जिससे बोलते हैं राइजिंग W, राइजिंग बॉटम्स, इस तरह से इस पैटर्न को बोलते हैं। और ये पैटर्न हमने कई बार पास्ट में भी देखा है, अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे तो आपको पता होगा ये राइजिंग W का पैटर्न है। प्रीवियस बॉटम के ऊपर नेक्स्ट बॉटम बनता है और इस तरह से कुछ W जैसा ये पैटर्न बनता है। तो ऐसा पैटर्न आने के बाद हमें ज़बरदस्त यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। हमने पास्ट में भी देखा था, आपको याद होगा जनवरी में ये पैटर्न बना था, आप यहाँ पर देख सकते हो, जनवरी का जाके ये वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पर भी हमने इस W पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था और उसके बाद निफ्टी कहाँ से कहाँ चला गया। और अभी कुछ ही दिनों पहले हमने वीकली चार्ट में इससे बड़े टाइम फ्रेम में इसे आइडेंटिफाई किया था, ये यहाँ पर अराउंड 14 जून के आसपास, 14 जून का जाके फ्राइडे का वीडियो आप देख सकते हो, यहाँ पर ये हमने आइडेंटिफाई किया था 14 जून के टाइम। और यहाँ पर जब ये W पैटर्न बना था उसके बाद देखिए निफ्टी कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये पैटर्न जब भी आता है तो भी मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम एक अपसाइड मोमेंटम आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिलते हैं। तो अभी निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई लगा दिया है यहाँ पर ये बड़ी सी कैंडल ने, इस जो कंसोलिडेशन फेज चल रहा था इसको भी ब्रेक कर दिया है और लाइफ टाइम हाई लगा दिया है। तो चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि आने वाले समय में और भी निफ्टी ऊपरी लेवल पे हमें जाता हुआ देखने को मिले। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं इसके लिए हम 60 मिनट के चार्ट को एनालिसिस करेंगे। भाई गजब की ये 2 कैंडल्स बनी है अभी कल के लिए, तो ऑब्वियसली आज के हाई के ऊपर ही हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा 25,435, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा 25,453 और सेकेंड टारगेट होगा 25,471। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल होगा ये होगा अराउंड 25,332, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा 25,313 और सेकेंड टारगेट होगा 25,295, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। लास्ट की कैंडल देख सकते हैं काफ़ी लंबा टेल छोड़ दिया है और ऊपर आके क्लोज हुआ है। तो देखते हैं कल अगर ये आज का हाई ब्रेक करता है तो नए हाइज भी हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में भी सेम 2 बजे के बाद जैसे ही वो चाइना से न्यूज़ यहाँ पर आई थी उसके बाद ये ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला।
और यहाँ पर भी जो लेवल्स हमने मार्क किए थे शुरू में तो कोई ट्रेड नहीं बनता, और यहाँ पर भी एक साइडवेज पैटर्न बना था, एक बार ब्रेकआउट लेवल के पास सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ और सेकेंड टारगेट के पास ही ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। और जैसे ही 2 बजे के बाद ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट दे दिया, और भी तेज़ी बैंक निफ्टी में देखने को मिली। आप हमारे बैंक निफ्टी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अभी चलते हैं 60 मिनट के चार्ट के ऊपर। 60 मिनट के चार्ट पर हमारा कल के लिए ब्रेकआउट होगा आज के हाई के ऊपर 51882, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा 51932 और सेकेंड टारगेट होगा 51979, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल बनेगा 51724, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा 51663 और सेकेंड टारगेट होगा 51613, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। छोटा सा इंट्रो ट्रेडिंग फैब के बारे में। ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है, एंजल ब्रोकिंग है। अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं तो हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम चैनल की मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। तो आपको करना क्या है, सपोज़ आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है तो एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। आपको आपके डिटेल्स यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन अकाउंट प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है, काफ़ी सेफ है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको इस नंबर पे कॉल करना है हमें ताकि आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके।